मन की बात जानने वाले बाबा, सबका बेड़ा पार लगाने वाले बाबा, ये हम नहीं बल्कि लोग आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर कथावाचक हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग, वीडियोस और लाइव दोनों कथाएं टीवी पर ही देखने को मिलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि ये लोगों को देखकर ही उनकी मन की बातें बता देते हैं। कई बार अपने कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को लेकर ऐसे ऐसे हैरान करने वाले खुलासे किए हैं जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। यही वजह है कि अब इनकी लोकप्रियता देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ रही है। हालांकि इस वक्त आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में घिरे हुए हैं। इन पर लोगों को धोखा देने, अंधविश्वास के जाल फैलाने का आरोप है। महाराष्ट्र की एक संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा था कि वो नागपुर में उसके मंच पर आकर अपने चमत्कारों को दिखाएं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री भी एक कथा के लिए नागपुर में थे। उनकी कथा का कार्यक्रम 13 जनवरी तक थी, लेकिन चुनौती मिलने के बाद वो 11 जनवरी को ही कथा खत्म करके वापस लौट आए। वहीं खुद पर लगे आरोपों पर अब मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि लोगों ने तब भगवान राम पर भी सवाल उठाए हैं, उनके होने न होने के सबूत मांगे हैं, फिर हम तो आम इंसान हैं, हमें कैसे छोड़ देंगे। इसके आगे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एक संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा था कि वो नागपुर में उनके मंच पर आकर अपना चमत्कार दिखा पाते हैं तो वो 30 लाख रुपए उन्हें देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहना होगा। समिति का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों में जादू टोना और अंधविश्वास फैला रहे हैं। खैर, समिति के आरोपों के बाद जहां धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में हैं, वहीं उनके चाहने वालों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कहाँ तक आगे जाता है।